कमलजीत जी, आप उस समय घर में नहीं थी? जी नहीं, मैं बिहार में हूँ। अच्छा जी, ठीक है। मैं मुजफ्फरपुर में हूँ, बिहार में। ठीक है। प्रीतपाल जी, मुझे बताइए, वो शुरू में जो दो लोग आए थे जब आपने दरवाजा खोला, वो सादे कपड़ों में थे या उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी? एक ने वर्दी पहनी हुई थी, एक सादी वर्दी में था। और उन्होंने आपसे क्या कहा सर? क्या आपको बताया कि वो गिरफ्तार करने के लिए आए हैं तेजिंदर को? कुछ नहीं, अभी बात नहीं, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। आए, अभी बात शुरू भी नहीं की है कि वो बाहर से दरवाजा खुला, धड़ाधड़ करके वो अंदर घुस गए और उन्होंने तेजिंदर को पकड़ लिया और उसको घसीटना शुरू कर दिया। जी, आप कह रहे हैं कि आपका मोबाइल भी छीन लिया था इन लोगों ने, तो क्या वो साथ में ले गए या वहीं फेंक गए? हाँ जी, नहीं, ले गए, साथ ले गए, जिसमें मेरे बिजनेस के सारे कंसर्न हैं। और उसके बाद से मेरा आज का सारा काम भी, वैसे तो मैं सारा दिन थाने में ही रहा, लेकिन वो फोन ना होने से मेरे को काफी नुकसान होगा जी। वो फोन पुलिस साथ ले, वो जो भी थे साथ ले गए हैं जी। ठीक है सर, मैं आप दोनों के पास आऊंगी और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस बीच जरा दिखाते हैं आपको किस तरीके से एबीपी न्यूज के लिए जो रोज सी वोटर का सर्वे होता है, उस सर्वे में आज जो सवाल पूछा गया वो ये कि जिस तरीके से तेजिंदर पाल बग्गा को गिरफ्तार किया गया। सवाल ले आइए, जरा सवाल दिखा देते हैं दर्शकों को। ये वो सवाल है जिसका मैं जिक्र कर रही हूं कि तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी, ये गिरफ्तारी सही या गलत? और सी वोटर के सर्वे में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इसमें 47% लोगों का मानना है, मतलब ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि तेजिंदर पाल बग्गा की गिरफ्तारी गलत हुई है। हालांकि 24% इसको सही करार दे रहे हैं, 29% कह रहे हैं पता नहीं। एक बार फिर से रुक करेंगे, तेजिंदर पाल बग्गा के माता पिता दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैम का रुख करते हैं। कमल जी, आपको क्या लगता है, आपके बेटे के साथ नाइंसाफी हुई, बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है क्या? जी बिल्कुल, बदले की भावना के साथ की जा रही है और नाइंसाफी तो है ही, और नाइंसाफी करने में तो माहिर हैं केजरीवाल जी, क्योंकि उनको तो ये पता है कि जो उनकी पोल खोलेगा उनके खिलाफ वो आवाज़ वो करेंगे, चाहे तेजिंदर हो या कुमार विश्वास हो या अलका लांबा हो या नवीन जिंदल हो। और आज केजरीवाल कपिल मिश्रा को भी टीवी के माध्यम से मुझे पता लगा है कि धमकी मिली है कि अब तुम्हारा नंबर है, अब जो भी आवाज़ उठाएगा केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल उसके साथ ऐसा ही करेगा। ठीक है, केजरीवाल उनको प्यार करेगा, जो ताहिर जैसे लोग हैं, जो घरों में बम रखते हैं वैसे लोग उसको प्यारे हैं, जो सच के साथ खड़े होते हैं, जो उसको एक्सपोज करते हैं वो उसके दुश्मन होते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।